चार सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों की सीएमओ ऑफिस में हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ ऑफिस पहुंचकर धरने पर बैठ गए और चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मांगों के संबंध में डीएम और सीएमओ को प्रार्थना पत्र सौंपा। संविदा कर्मियों का कहना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश भर में कार्यरत लगभग 75,000 संविदा कर्मचारियों व 2,00,000 आशा बहुओं हेतु न्यायोचित चार सूत्रीय लंबित मांगों हेतु दिनांक 17 नवंबर 2018 को ज्ञापन प्रेषित किया गया था। साथ ही समस्त अधिकारियों को भी प्रेषित किया था, जिसके क्रम में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पूर्ण इस आश्वासन के उपरांत कि आपको समस्त मांगों को एक माह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, परंतु लगभग 2 माह व्यतीत होने के उपरांत भी समस्त की मांगों पर कोई भी लाभप्रद निर्णय नहीं आया, जिससे प्रदेश भर के समस्त कर्मचारियों में व्याप्त रोष के कारण संगठन द्वारा निम्नवत अपनी मांगों मानने तक की कार्यवाही हेतु कार्य योजना बनाई है। संविदा कर्मियों का कहना है, हम संविदा के कर्मचारी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए हैं आप लोग, क्या मामला है? जी सर, ये हमारी मांगे हैं जो कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम हटेंगे भी नहीं, अनिश्चितकालीन। तो कितने दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है आपका? सर, कल से चल रहा है। अच्छा, तो इस चीज को लेकर के ज्ञापन सौंपा किसी को? जी जी, डीएम साहब को भी सौंपा है। डीएम साहब को सौंपा है। क्या आश्वासन दिया गया डीएम साहब की तरफ से? दिया गया है कि अभी सरकार मतलब ऊपर पहुंचाएंगे, चार्ज दिया गया है। तो अभी तक कोई आश्वासन अभी कुछ नहीं दिया गया? सही। अच्छा, अगर आपकी मांगों को पूरा ना किया गया फिर क्या करेंगे? हमारे साथ रहेगी हमारी हड़ताल, ऐसे ही बैठे रहेंगे? जी जी, ऐसे ही बैठे रहेंगे, करो या मरो की लड़ाई है। सर, मैं डॉक्टर खाबर खान। जी, आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, धरने पर बैठे हुए हैं सीएमओ ऑफिस में, क्या मामला है? देखिए, ऐसा है, हम लोगों का बहुत पहले से ये मामला चल रहा है कि हम लोग जितने भी संविदा कर्मी हैं, जिस विभाग में भी है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी एनएम हो, आशा हो, इन सब का शोषण हो रहा है। इन लोगों को और हम सब लोगों को एक तरीके से समान वेतन समान कार्य के हिसाब से कोई मतलब नीति लागू नहीं हो रही है। जैसे परमानेंट लोगों के साथ काम होता है उनको पूरा वेतन मिलता है, हम लोगों को उसका कोई वेतन नहीं मिलता, इतना कि हम लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। तो हमारी मांगे हैं कि हम लोगों का समान वेतन समान कार्य हो, दूसरा जो हमारी आशा बहुएँ हैं उनका वेतन मासिक 10,000 के आसपास हो, जिससे वो अपना काम कर सकें, गुजारा कर सकें, और हमारी एचआर पॉलिसी लागू हो जो जिसे सब परमानेंट वालों को मिलती है। क्योंकि देखिए, सबकी ज़रूरतें हैं और हम लोग इतने संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, सब 70% 80% संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरी तरह से शोषण हो रहा है। तो सरकार से हमारी मांग है, हम लोग कल से 21 तारीख से सब लोग यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाएँ हम अपने धरने को जारी रखें।